अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। राजा जफरुल हक की जानिब से खत में यह कहा गया है, खत में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मामले में मुदाखलत करे, इलेक्शन कमीशन चेयरमैन नैब को शहबाज शरीफ की रिहाई का फौरी हुक्म दे, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का ज़मीनी इंतखाबात पर गलत असर पड़ा। खत में मजीद कहा गया है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया, एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन से एक्शन लेने की दरख्वास्त करते हैं। खत की कॉपी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से यह खत लिखा गया है, ज़िमनी इंतखाबात के इंतजाम से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को। और आपको बताते चलें कि इस खत में राजा जफरुल हक की जानिब से कहा गया है कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था, इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मामले में मुदाखलत करे, इलेक्शन कमीशन चेयरमैन नैब को शहबाज शरीफ की रिहाई का फौरी हुक्म दे, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का ज़िमनी इंतखाबात पर गलत असर पड़ा है, अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। खत में मजीद यह भी कहा गया है कि एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन से एक्शन लेने की दरख्वास्त करते हैं।